हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाबाज मलिक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पॉइंट। जिन कैपेसिटर का साइज बड़ा होता है, जो माइक्रो फैराड या नैनो फैराड में होते हैं, उनको आप मल्टीमीटर की सहायता से आसानी से नाप सकते हैं। लेकिन जो कैपेसिटर पिको फैराड में दिए होते हैं, उसको मेजर करने के लिए आपको स्पेशल टाइप के मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि वह कैपेसिटर ठीक है या नहीं। सबसे पहले आप अपने मल्टीमीटर को एसी करंट नापने वाले पॉइंटर पर पॉइंट कर लीजिए और अपने कैपेसिटर में से 220 वोल्टेज को पास करिए। और आप देखेंगे कि आपकी 220 वोल्टेज घटकर आधी रह जाएगी जब वह इस छोटे से कैपेसिटर के अंदर से पास करेगी। तो उस कंडीशन में यह माना जाएगा कि हमारा यह कैपेसिटर बिल्कुल सही है। अगर यह वोल्टेज 0 या एग्जैक्ट 220 आएगी तो यह कैपेसिटर खराब माना जाएगा। यह खास बात केवल इन छोटे कैपेसिटरों की होती है। अगर हम किसी बड़े कैपेसिटर जो माइक्रो फैराड में है या फिर नैनो फैराड में है, अगर हम उसके अंदर से 220 वोल्टेज को पास करेंगे तो वह पूरी उतनी ही 220 वोल्टेज आउटपुट कर देगा, उसको ड्रॉप नहीं करेगा। जबकि यह पीको फैराड जो छोटे कैपेसिटर होते हैं, यह उसको आधी कर देते हैं और उसको 220 से काफ़ी कम कर देते हैं, 60, 70, 100, 120 ऐसे कर देते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।